नमस्कार, ये है हिमाचल अभी.com और आप सुन रहे हैं ऑनलाइन रेडियो बुलेटिन। शुरुआत करेंगे आज की हेडलाइन से। डीजीपी संजय कुंडू बोले, कैसे बनी मानव भारती यूनिवर्सिटी, पुलिस लगाएगी पता, FIR होगी। हिमाचल शिक्षा विभाग ने 148 EGS को किया नियमित। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने वार्षिक परीक्षाओं के प्रस्तावित डेटशीट की जारी। हिमाचल में कोरोना के 24 नए मामले, 52 हुए स्वस्थ, किन्नौर में एक साथ 19 पॉजिटिव। जिला परिषद कांगड़ा में बीजेपी समर्थित 33 सदस्य ही पहुंचे, कोरम पूरा न होने पर टला अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव। सजायाफ्ता कैदी सहित नाहन जेल के वार्डन को मिली जेल। कर्मचारी चयन आयोग नहीं करेगा जूनियर कैमरामैन की भर्ती, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने वापस लिए पद। चंबा में हादसा, खाई में गिरी कार, 2 की गई जान, 1 महिला घायल। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। फर्जी डिग्री मामले में ईडी के मानव भारती विश्वविद्यालय की 194 करोड़ 17 लाख की संपत्ति अटैच के बाद अब हिमाचल पुलिस ने यूनिवर्सिटी पर बड़े शिकंजे की तैयारी शुरू कर दी है। मानव भारती यूनिवर्सिटी कैसे बनी, इसको लेकर पुलिस जल्द एक FIR दर्ज करेगी। इस बात का खुलासा हिमाचल पुलिस के DGP संजय कुंडू ने शिमला में मीडिया से बातचीत में किया। उन्होंने हिमाचल में अब तक के सबसे बड़े वित्तीय फ्रॉड और फर्जी डिग्री मामले का पर्दाफाश करने का दावा किया है। हिमाचल के DGP संजय कुंडू ने कहा, हिमाचल के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है और हिमाचल प्रदेश के लिए अपनी तरह का पहला मामला है। उन्होंने कहा कि ये मामला हिमाचल के इन्वेस्टिगेशन के इतिहास में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है। ईडी ने मानव भारती के 194 करोड़ 17 लाख की संपत्ति अटैच कर हिमाचल पुलिस की जांच पर मोहर लगाई है। उन्होंने खुलासा किया कि फर्जी डिग्री का ये कारोबार कैश पर चलता था। शिक्षा विभाग ने एजुकेशन गारंटी स्कीम के तहत नियुक्त 148 शिक्षकों को नियमित कर दिया है। इन शिक्षकों को अब JBT के रिक्त पदों की जगह नियुक्तियां दी गई है। बीते दिनों में राज्य मंत्रिमंडल ने शिक्षकों को नियमित करने का फैसला लिया था। शनिवार को शिक्षा सचिव ने इस बाबत आदेश जारी किए। इन शिक्षकों के JBT के बराबर वेतन से लेकर अन्य सभी लाभ मिलेंगे। EGS शिक्षकों का ये मामला काफी समय से सरकार के पास विचाराधीन था। इन शिक्षकों की नियुक्तियां 14 से 15 वर्ष पहले SSA के माध्यम से की गई थी। सर्व शिक्षा अभियान के तहत हर विद्यार्थी को प्रारंभिक शिक्षा देना अनिवार्य किया गया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 5वीं, 8वीं नियमित और SOS, 10वीं, 9वीं, 11वीं और 12वीं कक्षाओं को प्रस्तावित डेटशीट जारी कर दी है। 5वीं की परीक्षा 8 मार्च, 8वीं की 3 मार्च, 10वीं और 12वीं की 13 अप्रैल, 8वीं SOS की 5 मई, 9वीं की 4 मार्च और 11वीं की 2 मार्च से शुरू होना प्रस्तावित है। बता दें कि हिमाचल में पहले बोर्ड क्लासों की वार्षिक परीक्षा 4 मई और नॉन बोर्ड क्लासों की अप्रैल में आयोजित किए जाने का ऐलान किया गया था, लेकिन बाद में परीक्षा की तिथियों में फेरबदल किया गया। बोर्ड व नॉन बोर्ड क्लासों की परीक्षाएं मार्च में शुरू कर मई के पहले हफ्ते में समाप्त की जानी है। वार्षिक परीक्षाओं के प्रस्तावित डेटशीट जारी करने की पुष्टि हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सुरेश कुमार सोनी ने की है। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 24 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 52 कोरोना पॉजिटिव स्वस्थ हुए हैं। आज एक कोरोना पॉजिटिव की जान गई है। कांगड़ा में एक ने दम तोड़ा है। प्रदेश में कोरोना का कुल आंकड़ा 57,424 पहुंच गया है। अभी प्रदेश में 314 एक्टिव केस बचते हैं। अब तक 56,131 कोरोना संक्रमित स्वस्थ होने में कामयाब हुए हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 963 पहुंच चुका है। किन्नौर में 19, शिमला में 3, बिलासपुर और सोलन में एक एक मामला सामने आया है। सिरमौर के 16, कांगड़ा के 9, शिमला के 8, मंडी के 6, चंबा के 5, कुल्लू के 3, हमीरपुर और ऊना के 2-2 और लाहौल स्पीति में एक कोरोना पॉजिटिव स्वस्थ हुआ है। हिमाचल में अब तक कोरोना के 2,600 सैंपल जांच के लिए आए हैं। इनमें से 1,422 नेगेटिव रहे हैं। 1,178 की रिपोर्ट आना भी बाकी है। आज के सैंपल में से कोई पॉजिटिव केस नहीं है। पिछले कल के 9 सैंपल की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट,
कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। जिला परिषद कांगड़ा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव आज टल गया है। बैठक के लिए कोरम पूरा न होने के चलते अब अगली बैठक 1 फरवरी को रखी गई है। इसमें साधारण बहुमत से ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाएगा, यानी 1 तारीख को 27 सदस्यों की उपस्थिति में चुनाव हो जाएगा। इससे पहले आज की बैठक में 54 सदस्यीय जिला परिषद के कोरम के लिए 36 सदस्यों की मौजूदगी होनी जरूरी थी, लेकिन अंतिम समय तक बिजबी समर्थित 33 सदस्य ही पहुंच सके, जबकि इससे पहले जयराम सरकार के कैबिनेट मंत्रियों ने दावा किया था कि उनके पाले में 34 सदस्य है, यानी उनमें भी एक कम रहा। आज बैठक शुरू होने से पहले वन मंत्री राकेश पठानिया, उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर, विधायक रीता धीमान, विशाल नहरिया सहित बिजबी के संसदीय क्षेत्र प्रभारी त्रिलोक कपूर मौके पर अंतिम समय तक डटे रहे। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नाहन गीतिका कपिला की अदालत ने अस्पताल से फरार हुए सजायाफ्ता कैदी 1 साल 7 महीने व लापरवाह जेल वार्डन को 1 साल और 1,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी अमरीक सिंह नेगी ने बताया कि मामला 2019 का है। उन्होंने बताया कि अदालत ने कैदी मुकेश कुमार पुत्र रामस्वरूप हाउस नंबर 138 नकोदर जिला जालंधर पंजाब को आईपीसी की धारा 224 और ड्यूटी में कोताही बरतने वाले आदर्श केंद्रीय कारागार नाहन के जेल वार्डन सचिन आईपीसी की धारा 223 के तहत दोषी करार देते हुए ये सजा सुनाई है। दोषी मुकेश कुमार नाहन सेंट्रल जेल में एक दुष्कर्म के मामले में 10 साल का कठोर कारावास की सजा काट रहा है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से जूनियर कैमरामैन पोस्ट कोड 830 के पदों पर भर्ती पर ब्रेक लग गई है। अब इस पोस्ट कोड के पदों पर भर्ती नहीं होगी। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने इन पदों को वापस ले लिया है। बता दें कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जूनियर कैमरामैन के 8 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। ये पद अनुबंध आधार पर भरे जाने थे। पदों को 21 सितंबर 2020 को विज्ञापित किया गया था। इन पदों के लिए 26 सितंबर से 25 अक्टूबर 2020 तक आवेदन मांगे गए थे। अब सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने इन पदों को वापस ले लिया है। प्रशासनिक कारणों के चलते पदों को वापस लिया गया है। अब इन पदों पर भर्ती नहीं होगी। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जूनियर कैमरामैन के 8 पदों को वापस लेने की पुष्टि आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने की है। जिला चंबा के होली क्षेत्र में एक कार के खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं एक महिला घायल है। हादसे में एक ने मौके पर ही दम तोड़ा और एक ने अस्पताल जाते समय अंतिम सांस ली। यह हादसा आज सुबह होली न्यागरा मार्ग पर दियोल के पास हुआ है। कार सवार हडोह से होली की तरफ आ रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। बता दें कि आज सुबह ठाकुर सिंह, त्रिलोक और बांकला देवी पत्नी अमरजीत निवासी घड़ोह ऑल्टो कार में सवार होकर घड़ोह से होली की तरफ आ रहे थे। दियोल के पास कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। कार की खाई में गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। हादसे में ठाकुर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं त्रिलोक व बांकला देवी घायल अवस्था में थे। गंभीर हालत के चलते घायल त्रिलोक को मेडिकल कॉलेज चंबा रेफर कर दिया गया। घायल को एम्बुलेंस में चंबा लाया जा रहा था तो गरोला के पास घायल त्रिलोक ने दम तोड़ दिया। महिला का उपचार CHC में चल रहा है। आज के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए हिमाचल अभी के साथ। नमस्कार।